ये साइकिल क्यों मेरी तरफ भूली हो? माया, माया बेटी, बेटा जरा तेल की पुप्पी तो देना, साइकिल को नाश्ता करा दो। पहले खुद तो नाश्ता कर लो। नहीं बेटा, आज मुझे दफ्तर जल्दी पहुंचना है, साहब ने कुछ दोस्तों को चाय पर बुलाया। अच्छा बेटे। सुंदर, आज फिर तुम लफंगों की तरह आग घुसे। तुम शरीफों की तरह ना मिलो तो और क्या करूं? अभी बापू को बताती। अरे क्या कैसे करती हो? मैं तो समझा था कि चाचा घर से चला गया होगा। वो तो आज तुम्हें बड़े घर पहुंचा के ही घर से जाएगा। बेटिया, चाय तैयार हो गई? बाप रे बाप, अब क्या होगा? भगवान के लिए कुछ करो ना। मैं क्या करूँ? कुछ भी करो। अच्छा इधर आओ, ये लो। कौन है बेटी? सुंदर, वो जग्गू मेरी की जोरू सुंदरी। तुमने कहा था ना बापू कि हाथ बटाने के लिए किसी को रख लेना। हाँ हाँ। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, बर्तन घिसने के बाद झाड़ू भी लगानी है। अरे हाँ, बापू के चरण नहीं छुआ। अरे नहीं 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 बेटी, भगवान इसकी गोद भरी करे। लो बापू, अभी लेता हूँ। अरे ओ सुंदरी, ये ले, अच्छी तरह साफ करना, समझी? अच्छा बेटी, मैं चलूं। अच्छा बापू। कैसी रही जग्गू मेहरे की जोरू? जग्गू मेहरे की बच्ची, मैं ड्यूटी खत्म करते ही सीधा यहाँ पहुंचा था और यहाँ आते ही नमस्ते। बस बिगड़ गए। रेलवे में नौकरी करते हो ना, इसलिए इंजन की तरह एकदम भेजा गरम हो जाता है। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने मगेतर से बर्तन घिसवाते हुए? सुंदर, तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे इस तरह यहाँ आने से लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा? जहां मैं जाऊं, लोग घर में हो तो तुम्हें एतराज, बाहर दुनिया वालों का डर। अगर तुम ही बताओ मिलूं तो कहां मिलूं? घबराओ नहीं, कल देवी का मेला है, मैं काली पहाड़ी के पीछे ठीक 12 बजे जब घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं मिलूंगी। तो इसका मतलब ये है हम भी घड़ी की दोनों सुइयों की तरह आपस में मिलेंगे? सुंदर, तुमने मेरे चेहरे पर तो राख लगा दी, कहीं माथे पर न लगा देना। चक्कर में बैठोगी? ना बाबा, उस चक्कर में बैठकर तो ये हाल हो गया है। तो फिर चलो चकोर से दो दो बातें हो जाए। चकोर से? हाँ चलो आओ ना। आइए बाबा, देखिए सिनेमा देखिए, जंगल का राजा है, जंगल का जड़ी बूटी है, काश्मीर की कली है। आइए आइए, देखिए तमाशा देखिए, सिनेमा का तमाशा देखिए, देख के जाओ देख के जाओ। ये देखो ये देखो ये देखो। अरे अरे माया, मारूंगा। महाज्योति चकोर जी, कुछ इनके भविष्य के बारे में बताइए। जरूर जरूर, क्यों नहीं, आओ तो आराम। जाको काम वाको साजी। बेटा तो है सिर्फ एक, लेकिन 100 के बराबर। वाह 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 वाह। लीजिए पंडित जी, ये लीजिए 4 आने। माया, तुम भाग क्यों आई? यूं ही क्यों? मैं क्यों बताऊं? हाँ आप क्यों बताओगी, तुम्हें बेटा जो मिल गया वो भी अकेला 100 के बराबर, और तुम मां भी बन गई, फिर मेरी गिनती कहां होगी? जहां होनी चाहिए। ओ भाई, देख रहे हो कलयुग की नजारा? बस कोई कोई चांद चढ़ा समझो। बोलो ना कहां होनी चाहिए? नहीं बताऊं। माया, अच्छा आप बताओ मैं किस गिनती में रहूंगा? यहां नहीं,
मुझे लाज आती है। तो फिर चलो वहां चलें। कहां? जहां तुम्हें लाज नहीं आती। वो कहां? वहां। देखो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहा है। अब क्या हुआ? घर में तुम्हारे बापू का डर, मेले में दुनिया का डर, और यहाँ इन तुम्हारे झुमकों से डर लग रहा है। क्यों? अच्छे नहीं लगते मुझ पर? अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये जो रुकावट है। चलो इस रुकावट को तो मैं हटाए देती हूँ, मगर और रुकावटें कैसे हटेंगी?
हाँ माया, न जाने कब काटेंगे अग्नि के गिर्द चार चक्कर। अभी तो खुद बिरह की अग्नि में जल रहा हूँ। इस अग्नि पर तुम्हारी माँ ही बिरह का तेल डाल रही है। मेरे बापू की तरफ से तो कोई देर नहीं, तुम्हारी माँ ही ब्रेक लगा रही है गाड़ी को। माँ की तरफ से न जाने कब सिग्नल मिलेगा अपनी शादी की गाड़ी को। एक बात पूछो सुंदर। पूछो। अगर मेरा बापू दहेज का इंतजाम ना कर सका तो क्या तुम किसी और से शादी कर लोगे? हाँ। किससे? मौत से। माया, माया, माया बेटी, बड़ी नटखट है ये लड़की, घर में तो टिकती ही नहीं। माया, माया बेटी, अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? माया यहाँ कहाँ? अरे वो तो सुंदर के साथ जंगल में मंगल मना रही है। क्या कहा? उनसे तो ये है कि माया को माया मिले करकर लंबे हाथ, मगर देखते ये हैं कि माया को सुंदर मिले करकर लंबे हाथ। शर्म नहीं आती तुम ऐसा कहते? लो भाई ये देखो, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अरे भाई शर्म हमें आनी चाहिए या तुम्हें, जिसने जवान जहान बेटी को खुली छुट्टी दे रखी है। बाप उधर सरकार की ड्यूटी पर निकल जाता है और बेटी इधर प्यार की ड्यूटी पर लग जाती है। आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो, बात क्या है? इतने भोले मत बनो गोपाल, हम लोगों ने आज तक बहुत सब्र से काम लिया, मगर अब पानी सर से गुजर चला है। तुम्हारी माया अब खुल्लम खुल्ला सुंदर के साथ हाथों में हाथ डाले घूमती है। जबान संभाल के बात करो, मैं सुंदर और अपनी बेटी को तुमसे ज्यादा समझता हूँ, और फिर कौन नहीं जानता कि उन दोनों की सगाई हो चुकी है। मगर उसकी शादी तो नहीं हुई, या तो 7 दिन के अंदर अंदर शादी कर दो या 7 दिन तो क्या, मैं आज शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर सुंदर की माँ ने दहेज के लिए इतना बड़ा मुंह खोल रखा। जरा तुम सोचो, मैं 7 दिन में उसका मुंह कैसे भर सकता हूँ? ये सोचना तुम्हारा काम, हमारा काम तो सिर्फ धर्म की रक्षा करना है। हाँ हाँ हाँ, धर्म की रक्षा, धर्म के ठेकेदारों, अगर धर्म का इतना ही ख्याल है तो अपनी धर्म की कमाई से भरी तिजोरियों की मुंह खोलकर भर दो ना उसका मुंह। चल चल शराबी कहीं का, तेरा क्या यहाँ काम, जा शराब पी जाकर ठेके में। शराब मैं जरूर पीता हूँ, लेकिन किसी का खून नहीं पीता हूँ। मैं एक सरपंच की हैसियत से तुम्हें पंचायत का फैसला सुनाता हूँ कि शादी का इंतजाम होने तक तुम्हें अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजना होगा। यहाँ रहकर अगर तुम्हारी बेटी हमारे बेटों पर डोरे डालने लगी तो? ऐसा न करो, मेरी बेटी देवी है, साक्षात देवी। कन्हैया कुमार भी अपनी बेटी को देवी कहता था। साक्षात देवी, मगर उसी देवी के देवता ने शादी से पहले उसे माँ बना दिया। कहीं ऐसा न हो उसी देवी की तरह तुम्हारी बेटी को भी गाड़ी के नीचे जान देनी पड़े। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, बिन माँ के बच्चे को कीचड़ ना उछाल। तूने उसे जीते जी। बापू दूर हो जा मेरी नजरों से, घूम उसी सुंदर के साथ और मिला अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में। ये क्या कह रहे हो बापू? वही कह रहा हूँ जो सारा मोहल्ला कह रहा है, बिरादरी कह रही है। तेरी करतूत ने भरी सभा में मेरी पगड़ी उछाल दी
पंचायत ने थूका है मेरी इज्जत पर। मुझे क्या मालूम था मेरी औलाद मेरे माथे पर एक दिन कालक लगाएगी। ये तुम कह रहे हो बापू, तुम्हें भी अपनी बेटी पर भरोसा नहीं। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम अपने खून पर शक करोगे। मुझे दुनिया की परवाह नहीं बाबू, लेकिन तुम्हारी नजरों से गिरकर मैं जिंदा रहना पाप समझती हूँ। माया मुझे माफ कर दे बेटी, लोगों ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। उन दुष्टों ने हम पर नहीं हमारी गरीबी पर दोष लगाया है। बेटी जब तक तेरी शादी का इंतजाम नहीं हो जाता तो अपनी मौसी के घर चली जा। पापा पंचायत का यही फैसला है बेटी, गरीब को जिंदा रहने के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ती है। लेकिन बापू तुम्हें दिल का दौरा पड़ता है, अब तो मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन देखेगा। कुछ भी हो बेटी, मेरी इज्जत की खातिर तुझे कल ही गांव छोड़ना पड़ेगा। ये बात है बापू, तो गांव तो क्या, तुम्हारी इज्जत के लिए मैं दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। ये भी दे देना बहन। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, एक एक करके ले जाना घरे। मासी की गालियां क्या तू खाएगी, चल दे तेरे जल्दी। आहा ओहो, अरे कुएं में डूब गई थी क्या, दो घड़े पानी लाने में इतनी देर है। हाय हाय सत्यानाश कर दिया घड़ों का। मौसी तू घड़ों को रोती है, यहाँ तो मेरी टांग टूटने से बच गई, फिर मैंने घड़े जानबूझकर थोड़ी गिराए थे। तुझे शर्म नहीं आती मुझसे जवान लड़ाते हुए। काहे की शर्म, सौतेली सही, पर है तो तू मेरी मौसी ही ना। चुप रह, दिन पर दिन हत्ती कट्टी होती जाती है, उठने को दो घड़े नहीं उठते। मौसी घड़े उठाने के लिए ताकत की नहीं अक्कल की जरूरत होती है। थोड़े दिन और रुक जा, दो नहीं चार घड़े उठा लूंगी, फिर देखना मैं बड़ी या भैंस। मौसी मौसी, अरे क्या हुआ, कभी तो मौसी को चैन से सोने दिया कर। मैंने बहुत बुरा सपना देखा है मौसी, भगवान करे बापू ठीक हो। घबराती क्यों है, कुछ नहीं होता तेरे बापू को, गरीब को इतनी जल्दी मौत नहीं आती। ऐसा ना कहो मौसी, बापू तो तुम्हारी इतनी इज्जत करता है कि मुझे भी डांट देता है तुम्हारे लिए। माँ के मर जाने के बाद जब भी कभी मुसीबत आई तो उसने तुम्हें को याद किया। यही तो सब मुसीबत है, वो ऐसा ही है, अगर वो ऐसा ना होता तो मैं भी इतनी कमजोर न बन जाती। सीधा जाके उसके मुंह पर सुनाती कि जीना है तो मर्द की तरह जी, समाज के सारे बुराइयों की जड़ को काट दे। लेकिन कैसे मौसी? कैसे कैसे करके, तो तेरे बापू ने अपना ये हाल बना लिया, अब तू भी पूछती है कैसे। अरे लातों के भूत कहीं बातों से मानते हैं, उठाती झाड़ू और देती एक हाथ, फिर देखती सच्चाई के आगे झूठ कैसे टिकता है। अब जा जा सो जा, मुझे तंग ना कर। नहीं मौसी, मैं अभी जाऊंगी बापू के पास। देख मैं तुझे जाने से नहीं रोकती हूँ, पर एक बात कान खोल कर सुन ले, अब जब भी इस घर में आना गर्दन ऊंची करके आना, समाज के डर से भाग कर नहीं आना। तो फिर मौसी मुझे आशीर्वाद दो कि जो तुम कह रही हो वो मैं कर सकूं। बेटी बापू, मेरा ध्यान तेरी तरफ लगा हुआ था, तार मिल गया था। तार? हेनरी साहब ने भेजा था मेरी तरफ से। नहीं बापू। तो फिर तू कैसे आ गई? मुझे भगवान का तार मिल गया, रात एक बहुत बुरा सपना देखा, मैं इसी डर के मारे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रही थी। ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है बापू, क्या लोग सिर्फ कीचड़ उछालना ही जानते हैं,
किसी ने बात नहीं पूछी ना तुम्हारी? क्यों नहीं पूछी? भगवान सलामत रखे हेनरी साहब को। उन दो दिनों में 3 बार डॉक्टर को साथ लेकर आए और सुंदर ने भी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। कुछ भी हो बापू, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तू तो नहीं जाएगी बेटे, पर न जाने मेरा बुढ़ापा कब तुझे छोड़कर चल दे। बापू ऐसा ना कहो बापू, जरा सोचो इस भरी दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? इसमें कौन हो सकता है? दरवाजा बंद कर दो। तुम गोपाल की बेटी हो? हाँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। कौन है बेटा? मैं। साहब आप इतनी रात के वक्त? वक्त इंसान को किसी वक्त कहीं भी ले जा सकता है गोपाल, ये नन्ही सी जान मुझे यहाँ खींच कर लाई। मगर साहब ये किसका बच्चा है? इस वक्त इसके सवा में और कुछ नहीं बता सकता। ये उस माँ का बच्चा है जिसकी गोद 14 वर्ष के बाद हरी हुई है, मगर एक शैतान इस नन्हे फरिश्ते के खून का प्यासा है। क्या तुम इसे मेरी अमानत समझ कर रख सकते हो? ये भी कोई पूछने की बात है साहब? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि हमें आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। साहब ये बच्चा हमारी जान के साथ जाएगा। तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। लो बेटे। जब तक मैं इसे लेने ना आऊं, इसके बारे में कोई बात किसी को मालूम ना होने पाए। चिंता न कीजिए साहब, ये राज चिता में भी मेरे साथ जाएगा। शुक्रिया गोपाल, मैं तो तुम्हें 2-4 दिन नहीं मिल सकूंगा, लेकिन डॉक्टर तुम्हें देखने जरूर आएगा। ये लेकिन साहब शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। और हाँ बेटा, तुम्हें सिर्फ कुछ रोज ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। जैसे ही इसके सर से खतरा टल गया, मैं तुम्हें जिम्मेदारी से आजाद कर दूंगा। अच्छा गोपाल, साहब तो देवता हैं देवता, कितना प्यार है इंसानियत से। बेटी हम पर तो इनके इतने आसान हैं कि जान देकर भी बदला नहीं चुका सकते। चिंता न करो बाबू, अगर भगवान ने चाहा तो हम इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे। माया माया, बापू क्या हुआ? बापू बापू बाप के घर लाने से पहले चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब मरी? माँ उसी के घर इसीलिए गई थी कि माँ बनकर लौटे। नहीं नहीं, ये सच नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो सच क्या है? झूठ झूठ और सच का पता करना ही है
सुंदर के पास जा। है किसी हिम्मत? अबे तू चुप कर, चाबी कहीं का। तुम लोगों की जुबान एक शराबी और एक अवला की सामने ही खुल सकती है। किसी में धन है तो बुलाओ सुंदर को और पूछो, अगर ये सच है तो सजा माया को नहीं सुंदर को दो। तू निकल यहां से। ताला मुंह लेकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? तू भी बस्ती के कुत्तों की तरह मेरे निर्दोष बेटे को बदनाम करने पर तो नहीं है? नहीं माँ जी, ऐसा ना कहिए। छोड़ दा जो मुझे माँ कहा, चली जाए यहाँ से। मुझे मुझे एक बार सुंदर से मिल लेने दीजिए। अपना घर बर्बाद करने के लिए मिलने दूँ? मेरा बेटा तेरी सारी करतूत सुन चुका है, उसने भगवान के आगे कसम खाई है तुम दोनों की जान ले लेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपना जीवन तो बर्बाद कर लिया, मुझे विधवा का घर तो बर्बाद ना कर। मेरा एक ही बेटा है, कहीं तुम दोनों को मार के फांसी पे ना चढ़ जा। भगवान के लिए दफा हो जा, चली जा उसी के पास जिसके साथ तूने अपना मुंह काला किया था। बहन, यह चर्च कहाँ है? वो पटरी के उस पार। माया, उसने भगवान के आगे कसम खाई है तुम दोनों की जान ले लेगा। माया, हेलो माया, माया, माया हेलो। वो तो मैं जानता हूँ, मगर उसकी बेटी कहाँ है? अब क्या बताएं? अब बताएं तो किस किस को बताएं? क्या मतलब? हमें तो कहते हुए शर्म आती है सरकार, गोपाल काका जिस बेटी को देवी कहता था वो शादी से पहले माँ बनकर ना जाने कहाँ दफा हो गई। उस हरामी बच्चे को साथ लेकर। कौन सा बच्चा और कौन लेकर चली गई? कलंकिनी माया, और कौन? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए एक बेगुनाह को कलंकिनी कहते हुए। वो बच्चा तो मैं छोड़ के गया था उसके पास। क्या कहा? वो इनका बच्चा है, उस मासूम की जिंदगी खतरे में थी, इसलिए इस घर को महफूज समझकर मैं खुद उसे यहाँ छोड़ गया था। आप उस बच्चे को यहाँ छोड़ गए थे? यस यस, बट वेयर इज द गर्ल? वो लड़की उस बच्चे को लेकर कहाँ चली गई? सरप्राइजिंग हेनरी, उस लड़की को ढूंढ निकाला बहुत जरूरी है। जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से, आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई फील गिल्टी। अगर वो लड़की नहीं मिली तो मैं अपनी बीवी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। आई वोंट बी एबल टू फेस हर। कहाँ हो? उनके ठेकेदारों, आज सबकी जुबान पर ताला भी लगा, बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोला। तुम जानते हो वो लड़की कहां गई? मैं नहीं जानता। कोई तो जानता है। कौन? जग में सभी का
नहीं आई है शहर में, ऐसा ही लगता है दोस्त। जाना है आपको, लगता है रास्ता भूल गई हो। फिक्र मत करो, हम तुम्हें पहुंचा देंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अरे घबराती क्यों, हम सेवक हैं आपके। क्यों सेवक राम? ठीक कहते हो भगत राम। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। चलो बैठ जाओ। अरे नाराज क्यों होती हो, गुस्सा थूक दो। कहाँ जाना है? काला चौकी। अरे नहीं, ओ नागपाड़ा। नागपाड़ा? और तुम्हें कहाँ जाना है बेटी? टैक्सी तो एक है मगर रास्ते अलग अलग हैं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? सीधे से टैक्सी चलाओ। और टेढ़े चलाया तो? ये सब क्या हो रहा है, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? यही तो देख रहा हूँ बेटी,
अरे ओ बेटी के बच्चे, जो हम कह रहे हैं कर, चल टैक्सी चला। और न चलाऊं तो? ऊपर जाने का इरादा है क्या? चल अंदर। ओ दादागिरी। जालदा पहलवान ऊपर भेजने आए थे। चलो बेटी, तुम तो फिर जिंदा हो गए। आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने अपनी जान पर खेल कर मेरी इज्जत बचाई है। अरे बेटी, तुम जैसी मजलूम की इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। तुम यहां की तो नहीं मालूम होती, परदेसी मालूम होती, कौन हो तुम? एक मुसीबत की मारी। कहां जाओगी? आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। अगर जाने की कोई जगह होती तो यहां क्यों आती? बेटी, अगर मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो आओ मेरे घर चलो। भरोसा? भरोसा तो इंसान इंसान पर करता है, आप तो फरिश्ता है। बेटी आओ, आओ बेटी, आओ आओ बेटी, बैठो। तुम सब चले जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा। कहाँ है मेरा बेटा? एक नेक इंसान की तरह इंसानियत के नाते में कुछ करना चाहता था, फिर ऐसे क्यों हुआ? जो होना था सब हो गया हेनरी, अब ये सोचो कि आगे क्या करना चाहिए। इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो विलियम, इंसान सोचता है कुछ और होता है कुछ। जब कोई चीज इंसान की समझ से बाहर हो जाती है तो इंसान उसे गॉड की मर्जी कहता है, लेकिन यह गॉड की मर्जी नहीं थी, ये मेरी गलती है। नो 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 हेनरी, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है। मैं तो समझता हूं हमारे सामने एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसे हमें हिम्मत से सॉल्व करना चाहिए। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, मेरी मानो तो मेरे लंदन जाने से पहले तुम भी कहीं दूर चले जाओ। हो सकता है चेंज ऑफ एनवायरनमेंट से पॉलिस को कुछ फायदा पहुंचे, क्योंकि यहां रहने से पुरानी यादें पुरानी। राइट हेनरी, तुम्हारा हाल सुनकर तो कलेजा फटने लगा है। इस छोटी सी उम्र में तुम पर इतने जुल्म हुए। बड़ों ने ठीक कहा है कि जब दुख बढ़ जाए तो अपने से ज्यादा दुखी को देखो, फौरन आराम आ जाता है। लेकिन मैं क्या करूं बाबा, जब अपने से ज्यादा दुखी को देखने नजरें उठाती तो वो नजरें पलट कर मुझे पर आ जाती। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बेटी तुम्हें तो खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हें बेटे जैसी नेमत बख्शी है। अल्लाह इसकी उम्र दराज कर, उसे देखो, मेरी बीवी मरियम को दूध पीता छोड़कर चल बसी, मैंने उसे पाला, पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी पक्की। एक दिन ही तो बुखार आया था उसे, फिर इस घर से टोली की जगह जनाजा निकला। बेटी तुम मुझे मिल गई हो तो ऐसा लगता है कि मेरी मरियम मुझे मिल गई है।
चाय वाला। अरे हाँ चाय लो, यहाँ रखो रखो, लो बेटी चाय पी लो। मुझे नहीं चाहिए बाबा। अरे नहीं बेटी, ये तो हिंदू होटल की चाय है। फिर तो मैं कभी नहीं पीऊंगी, मुझे क्या इतने छोटे दिल का समझ रखा है। ये हिंदू और मुसलमान चाय कैसी, भूल गए बाबा, वो गुंडा हिंदू और मुझे उससे जिसने बचाया वो मुसलमान। आप मुझे अपने हाथों से चाय देंगे तो ही पीऊंगी। अच्छा बाबा, ये लो आप पियो। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं बेटी, अगर बाप की बात का बेटी बुरा मान सकती है तो जरूर मानूंगी। जीती रहो। नहीं मैं ये सोच रहा था कि खुदा ना खास्ता कहीं तुम ये ना समझ बैठो कि तुम बोझ हो मुझ पर। ये बात नहीं है बेटी, एक बाप के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बता दूं। देखो घर गृहस्थी में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, इन झगड़ों को लंबा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम गांव वापस चली जाओ, एक दफा अपने पति को मिल तो लो। बाबा। हाँ बेटी, खुदा करे तुम्हारी सुलह हो जाए, हंसी खुशी तुम्हारी जिंदगी गुजरे, फूलो फलो, अल्लाह ना करे कि कभी गम तुम्हारे पास भी आए। चुप क्यों हो बेटी? क्या कहूं बाबा, अगर आप सब हाल जानते तो शायद कभी मुझसे ऐसी बात ना कहते। क्या करूंगी वहां जाकर, अब मेरी बिगड़ी का बनना बहुत मुश्किल है। कोशिश तो करो बेटी, अगर खुदा ना खास्ता बात ना बनी तो ये दरवाजे हर वक्त तुम पर खुले हैं। सुंदर की माँ ने दहेज की लालच में सुंदर की शादी तो कर दी, लेकिन बहू कोई खास नहीं, दहेज और खूबसूरती एक साथ किस्मत वालों को ही मिलती है। साहब फादर कहाँ हैं? नहीं फादर हूँ, कहो बेटी। मेरा मतलब है फादर हेनरी। वो तो विलायत चले गए। विलायत? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। मजबूर और लाचार तुम्हारे इतने बड़े संसार में ये बोझ ना उठा सकूंगी। ये अमानत तुम्हें दे रही हूं क्योंकि तुम ही संसार के रखवाले हो, मुझे क्षमा करना भगवान।
इतनी शक्ति देना कि मैं इस अमानत की रक्षा कर सकूं। के लिए ना कहिए, ना मैं कह सकूंगी और ना आप सुन सकेंगे। बस यही समझ लीजिए कि इस दुनिया में अब इस घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं। खुदा पर भरोसा रखो मेरी बच्ची, इस घर को अपना घर, मुझे अपना बाप समझो। ऐसा ना समझती तो लौट कर ही क्यों आती बाबा। जो हुआ अच्छा ही हुआ बेटी, तुम चली गई थी तो मैं भी अकेला हो गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझसे मेरी मरियम छीन ली। अच्छा तुम आ गए। बाबा मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दीजिए, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। क्या ये बच्चा तुम पर बोझ है? अरे पगली, कभी बेटी भी बाप पर बोझ हुई है? खुदा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे अरे, 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 अरे। सलाम, क्या बात है भाई? आप अभी अभी मेरी टैक्सी से उतरे थे ना जी? ओ हाँ हाँ, तो आपका कुछ रह तो नहीं गया टैक्सी में? बटुआ जी ओ, ये 900 रुपए हैं, गिन लीजिए। ठीक है भाई, 900 रुपए तो चलो चलो चलो। नहीं साहब, इस किस्म की रकम चाहिए होती तो मैं 900 रुपए रख लेता। अच्छा, पेट्रोल का खर्चा तो ले लो भाई। जी नहीं, इतनी दूर में पेट्रोल क्या खर्च हुआ होगा, कुछ भी तो नहीं। खैरो भाई, तुम आदमी बड़े ईमानदार मालूम होते हो। टैक्सी तुम्हारी है? जी नहीं, किराए की है। 25 रुपए देने पड़ते हैं, बाकी जो बच जाए अपना नसीब। अच्छा कमा लेते हो? जी नहीं, अब कमाई कहाँ है साहब। बस देखो भाई, मैं यहाँ नया नया आया हूँ, मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं यहाँ चले। जरूर साहब, जरूर। थैंक यू। जरूर साहब।
डॉक्टर साहब, कोई खतरे की तो बात नहीं? नहीं जी, खतरे की कोई बात नहीं। अब आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। राम तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन अब हमें विक्टर का दिमाग ठीक करना पड़ेगा। किसी बात में भी तो राम के बराबर नहीं है, ना अकल में ना शक्ल में। माया बेटी, ये मेरे साहब हैं, ये मेम साहब हैं। साहब, ये मेरी बेटी माया, इनका लड़का राम। हम बहुत शर्मिंदा है माया देवी, हमारे विक्टर की वजह से ही आपके बेटे को मार लगी। ऐसे मत कहिए, खेल में तो अक्सर ऐसे हो ही जाता है। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। इन केस यू नीड एनीथिंग, आई मीन कुछ जरूरत हो तो कासम से कह देना। बड़ी मेहरबानी साहब। विक्टर, खूब नाम रोशन कर रहे अपने माँ बाप। मैं कुछ समझा नहीं। मम्मी, शर्म नहीं आई तुम्हें सीधे साधे लड़के पर हॉकी हमला करते हुए? ये क्या कह रही हैं आप, मैंने जानबूझकर थोड़ी मारा है। गेम में कभी कभार चोट लगी जाती है। बेवकूफ मत बनाओ, मुझे सब मालूम हो चुका है। किसने कहा है आपसे? क्यों, उस पर भी हमला करने का इरादा है? विलियम के लाड़ प्यार ने ही तुम्हें आवारा बना दिया है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इतना शोर मचाइए, जरा सी बात को। जरा सी बात, किसी का सर फोड़ दिया तुम उसे जरा सी बात कहते हो? तुम तो उसे कुछ बोलते ही नहीं। मैं क्या कहूँ उससे, जब भी उसे देखता हूँ तो उसकी मरती हुई माँ की शक्ल मेरी आंखों के सामने। इसलिए तुम चुप रहोगे? विक्टर की जगह तुम्हारा अपना बेटा होता तो क्या तुम उससे भी कुछ नहीं कहते? तुम तो उसे एक ही बात पढ़ के बैठ गई हो। मैं तो इसलिए कह रहा था कि लड़का बड़ा हो गया। बड़ा हो गया लेकिन अकल अभी तक नहीं आई। अब जाने दो। इस बात कैसे जाने दो? तुम मत जाने तो बिगड़ती क्यों? क्यों नहीं बिगड़ो? आज किसी पे हॉकी उठाई, कल किसी पे छुरा भी उठा सकता है। छुरा? तुम क्या बातें कर। मेरा अपना बच्चा तो मुझसे छीन गया, और जिसे मैंने अपने बेटे की तरह प्यार किया वो भी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। सुनो पाली। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो आज से मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, बस। डैडी, डैडी, आपने रेडियो सुना? रेडियो? हाँ, रात को बोछाल आ गया था जिसकी वजह से कई जगह जमीन फट गई और कितने घर गिर गए। लेकिन इंसान का कलेजा फिर भी नहीं, ये कमबख्त ठोकरें खाकर भी नहीं संभल। ये तो नेचर का काम है, इसमें इंसान का क्या? मैं तो इसे इंसान के जुल्म और गुनाहों का नतीजा ही कहूंगा बेटी। ये भूचाल, ये तूफान नेचर की तरफ से वार्निंग होते हैं बेटी। ओफो डैडी, आप इस जमाने में किस जमाने की बातें कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। अनपढ़ तो मैं भी नहीं हूं बेटी, जब सर पे पड़ती है तो खुदा याद आता है। भूचाल के वक्त गिरजों, मंदिरों और मस्जिदों से कैसे दुआओं की आवाजें गूंज रही थी, कैसे कैसे सर फिरे, खुदा के हुजूर में अपना माथा टेक रहे थे। राम के ख्यालात आपसे कितने मिलते हैं? राम? हाँ डैडी, वो भी यही कहता है, जब इंसान इंसानियत का खून करने पर तुल जाता है तब भूचाल और तूफान ही आते हैं। गरीबों की तबाही से उसका दिल तड़प उठा, सब काम छोड़कर उनके लिए चंदा जमा कर रहा है। मैं भी उसका हाथ बटा रही हूँ। वेरी गुड। अरे हाँ, विक्टर का टेलीफोन आया था, शायद वो भी भूचाल फ्रंट के लिए तुम लोगों में शामिल होना चाहता है। ओफो डैडी, आपने भी किसका नाम ले लिया, उसे आवारा गिरदी और क्लबों से फुर्सत मिले तब ना। हाँ डैडी, कॉलेज में सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं इतने बड़े मोटर कंपनी की मालिक की लड़की और 3 महीने से एक ही गाड़ी घसीट रही है। डैडी, मुझे कल इम्पाला निकाल दीजिए ना। इम्पाला? हाँ डैडी, मैं चाहती हूँ नई गाड़ी में राम और उसकी पार्टी को लेकर चंदा इकट्ठा करने निकलू। वाह बेटी, चंदा जमा करके मोटर खरीदने वाले गुरु घंटाल तो मैंने सुने थे, लेकिन मोटर खरीद कर चंदा जमा करने निकलना आज पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ दिलीना, तुम्हारे नाम भूचाल फंड में कितने लिखूं? फंड की बातें तो होती रहेंगी, पहले इनकी बात तो पूछो जिनके दिल में भूचाल उठ रहा है। विल यू स्टॉप इट नाउ? ए करण, तानवीर करण कहो, संभालो, पूरे 1100 का चेक है। 1100? कम लगते हो तो 11000 कर दूं। अरे ओ टॉपी मास्टर। यस। इधर आओ, आप अपने हस्ताक्षर इस पर करेंगे? हस्ताक्षर मैं नहीं करूंगा। क्यों? ये गुप्त दान है। अच्छा। हाँ। इस गुप्त दान को अपने गुप्त खजाने में ही रखिए, समझे? गधा कहीं का। वाह वाह वाह,
राम ने क्या खूबसूरत नाम रखा है तुम्हारा, गधा। ये नाम तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मैं कोई और रख लूंगा। शट अप मैरी, अपना भी छोटा सा तोहफा कबूल। ये राम को भूचाल फंड का अकाउंट राम के पास है। हमें तो दान देने से मतलब, चाहे वो भूचाल के लिए हो या किसी कंगाल के लिए। ओ कंगालों के राजा, रसीद तो लेते जाइए। लेकिन मैंने ऐसा कोई इडियट नहीं देखा। माफ करना मिस्टर, मैंने तो एक देखा है। भाइयों और बहनों, भूचाल फंड जमा करने जैसे नेक काम के लिए आपने जो उत्साह दिखाया है उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। इस कॉलेज के विद्यार्थी आज जो कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुझे आशा है आपको पसंद आएगा।
उस बात का चर्चा आम किया। तेरे रूप ने ये काम किया। छोड़ा करो सौतन, और नहीं तो क्या, जब देखो कोई ना कोई किताब हाथ में लिए बैठे रहते हो। जानती हो मेरी, मुझे इन किताबों से इतना इतना प्यार है जितना मुझसे भी नहीं, यही ना? हाँ। क्या? मेरा मतलब है कि तुम मेरा तीसरा प्यार हो। अच्छा, पहले दो प्यार कौन से हैं? पहला प्यार मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरा प्यार ये किताबें हैं जो मुझे ये सिखला रही हैं कि जिंदगी के माने क्या हैं, और तीसरा प्यार तुम हो मेरी जिंदगी। चलो छूटे। नहीं मैरी, इन्हीं तीनों को मिलाकर मेरी अपनी एक दुनिया है। लो, दूसरी दुनिया भी आ गई, अब करो मुकाबला। हेलो राम, हाउ आर यू माय बॉय? हेलो मैरी। हेलो मैरी, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ऐसी क्या बात है? कुछ प्राइवेट बात है। चलो ना, एक्सक्यूज अस। मैरी, तुम्हारे डैडी ने मेरी डैडी की बात मान ली, मगर मैं अब तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। किस बारे में? शादी के बारे में। और किस बारे में? तुम शादी करने को तैयार हो ना? क्यों नहीं, शादी तो हर लड़की को करनी पड़ती है। ओ मैरी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी कुछ कम खुश नहीं हूँ। तो क्या तुम शादी की बात अपने डैडी से करोगी ना? करनी ही पड़ेगी, अगर डैडी ने कहीं और बात पक्की कर ली तो मुसीबत हो जाएगी। तो क्या मैं अपने दोस्तों और घर वालों को बता दूं कि तुम शादी करने को तैयार हो? दोस्तों से ही क्यों, पेपर में छपवा देना, मेरी शादी करेगी और जरूर करेगी। मिस्टर विलियम, दरअसल उन्हें कोई बीमारी नहीं, शी रिमेंस अपसेट। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमेशा वो कुछ सोचा करती है जिसकी वजह से उनके दिमाग को इतना स्ट्रेन पड़ता है कि वो बीमार पड़ जाती है। आई थिंक यू आर राइट डॉक्टर, यू आर राइट। तो आप नर्स का इंतजाम कर लेंगे? यस आई विल डू, थैंक यू। ओके मिस्टर विलियम, बाय बाय। राम साहब। अस्सलाम, आपने बुलाया था? हाँ कासिम, तुमने एक बार कहा था ना तुम्हारी बेटी नर्सिंग का काम जानती है। जी हाँ, वो एडवर्ड हॉस्पिटल में काम करती है सर। वो काम करती है? जी हाँ। ठीक है, क्या बात है साहब? नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं इन सब एक नर्स की जरूरत है, अगर तुम्हारी बेटी होती तो घर जैसी बात होती, नर्सिंग भी करती और कंपनी मिल जाती। आप रुकन तो कीजिए। नहीं पर वो काम करती है ना। तो क्या हुआ साहब, छुट्टी ले लेगी? अच्छी बात है, थैंक यू, वेरी गुड ऑफ यू। लेकिन बाबा, वहाँ जाने के लिए मेरे पास वक्त कहाँ है? कुछ दिनों की छुट्टी ले लो बेटी, मैं उनसे वादा करके आया हूँ। वादा कर आए है तो फिर मुझसे क्या पूछना, कल सुबह चौका चूल्हा करके उनके यहाँ चली जाऊंगी। चूल्हा चूल्हा चूल्हा, ना जाने कब तक तुम हम लोगों के लिए चूल्हे पर अपने हाथ जलाती रहोगी, क्यों ना करे एक नौकरानी रख ले हम। नहीं बाबा, अब मुझे नौकरानी की नहीं, घर की रानी की जरूरत है। बस राम की शादी हो जाए और घर में बहू आ जाए तो चौका चूल्हा अपने आप छूट जाएगा। माँ, 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 अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, कहीं पागल हो गया है? खजाना हाथ आ गया है? खजाना? अरे माँ, खजाने से भी बड़ी चीज कहो माँ। वो क्या? एक दोस्त का प्यार। हम दोनों एक बात से बहुत परेशान थे माँ, लेकिन मेरे दोस्त ने आज वो परेशानी दूर कर दी। अरे बाबा, तुम क्या हंस रहे हो?
बेटे मैं तेरे दोस्त को जानता हूँ, कब आ रही है तेरी माँ से मिलने? बेटे बूढ़ों को इतना बेवकूफ मत समझो। आज से ये तुम्हारी नर्सिंग करेंगे, ये रही रिपोर्ट और ये है दवाइयां। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जी, मगर इन्हें क्यों तकलीफ दी? मेरा रोग तो मेरी जान के साथ ही जाएगा। व्हाट नॉनसेंस! ऐसा ना कहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। भगवान पर तो ना भरोसा, लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं। जरा सोचा कम करो समझी। अच्छा मैं जाता हूँ। कैसा है तुम्हारा राम? आपकी दुआ से अच्छा है। मार्टिन, मार्टिन, क्या काम है मुझसे कहिए। विक्टर बेटे को बुलाना था, सुबह से उसको देखा नहीं। मैं बुला लाती हूँ। कहाँ है उसका कमरा? नेक्स्ट रूम। रुत बेकरार है, शाम बहार है, तू जरा पास आ, मैं तुझे दिल की धड़कन सुनाऊं।
और कौन आया? बाबा माँ कहाँ है? देखिए वो तो मेम साहब के यहाँ गई है। अभी तक नहीं आई? नहीं अभी तक तो नहीं आई। आओ बेटे अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन माँ तो अभी तक नहीं आई। अरे आ जाएगी, थोड़ी देर बैठो चाय पियो, वो तुम दोनों को देखकर कितना खुश होगी। माँ नहीं जाने कब आएगी वापस। लो मैं आ गई। माँ इतनी देर कहाँ लगा दी? मेम साहब की तबीयत ठीक नहीं थी बेटा। कैसी हो बेटी? अच्छी। कल हमारी फीस है, आप सबका खाना हमारे यहाँ होगा। बच्चों में बूढ़ों का क्या काम? नहीं माँ, आपको आना ही पड़ेगा। बेटी मेम साहब के काम से मुझे फुर्सत कहाँ मिलेगी। अच्छा तो फिर राम को जरूर भेजना होगा। अच्छा अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते। अच्छा राम बाय बाय। ये अच्छा तो तुमने कह दिया माँ, लेकिन मेरे पास सूट काम आ जाने के लिए। मेरी ने तुझे बुलाया है, तेरे सूट को नहीं। क्या बात है माँ, कहाँ तुम मेरी से मिलने के लिए इतना बेचैन थी और आज जब वो आई तुमने उसे चाय तक नहीं पूछी। भूल गई बेटा। तुम बहुत परेशान लग रही हो माँ, शायद इसी परेशानी में तुमने मेरी से अच्छी तरह बात नहीं की। माँ क्या बात है? सोच रही हूँ बेटा, तेरा और मेरे का मेल जोल कहीं ठोकर न खा जाए। मेरी क्रिसमस विक्टर। हेलो राम। मेम साहब कहाँ हैं? मैं उन्हें विश करने आया हूँ। क्यों, मेम साहब के बेटे के साथ दुश्मनी है क्या? ये लो तुम्हारे लिए। चलो मम्मी। हैप्पी क्रिसमस मेम साहब। थैंक यू, गॉड ब्लेस। This is for you. ये तकलीफ ना कीजिए। तकलीफ तो मुझे तुम्हारे ना कहने से होगी। ये लो। ये बताओ, अगर त्योहार के दिन तुम्हारी माँ तुम्हें कोई प्रेजेंट देती तो क्या तुम उसे ना कहते? अब तो लेना ही पड़ेगा। थैंक यू मैम साहब। सुनो राम, आज शाम को हमारे यहाँ पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है। जी माँ, तुम चल रही हो? नहीं बेटा तू जा, मैं बाद में आऊंगी। Thank you.
थैंक यू। नो जोक सर, खूब जच रहे सूट, तुम्हें तो हमेशा सूट ही पहनना चाहिए। क्यों मेरी? मैं गरीब आदमी, ऐसे सूट कहां से पहन सकता हूँ। अरे वाह, हम मर गए क्या? तुम्हारा मेरा नाप एक ही तो है, बल्कि ये सूट मम्मी ने मेरे नाप ही से तो तुम्हारे लिए बनवाया है। मेरे दर्जनों पुराने सूट पड़े हैं जो मेरे किसी काम के, कल ही तुम्हारे माँ के हाथ भिजवा देता हूँ। विक्टर, कुछ लोग सूट पहने बगैर भी इंसान होते हैं और कुछ लोग अच्छे से अच्छा सूट पहनने के बाद भी अपने आप को छुपा नहीं पाते, हैवान के हैवान ही रहते हैं। ओह, नहीं सारे, ओके, गुड नाइट। राम लीजिए मैम साहब। क्यों, क्या हुआ? मैं इसके काबिल नहीं। हुआ क्या? वही जो अमीर की महफिल में शामिल होने से गरीब के साथ होता है। तुम्हें विक्टर ने कुछ कहा? जी नहीं, विक्टर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि दौलत के गुरु ने गरीबी का मजाक उड़ाया। ये कीमती कोट मुझे अपनी गैरत का कफन मालूम हो रहा और इस खूबसूरत बो से मेरा दम घटा जा रहा है। राम, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? क्यों, क्या ये जगह खूबसूरत नहीं है? जी हाँ, बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर सब जनाब का इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ बैठे हवा खा रहे हैं। मैं नहीं आ सकूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ऐसे पागलों की तरह यहाँ आकर बैठोगे तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, चलो मेरे साथ। नहीं मेरी, ये अच्छा मजाक है, गुस्सा किसी का और निकाला किसी पर जा रहा है। जिद मत करो, मैं सचमुच नहीं आ सकूंगा। चलो ना, तुम्हें मेरी कसम। चलो बात है देवी जी, आप लोगों की आंखों में आंसू, मैं दुनिया में किसी चीज से डरता नहीं, डरता हूँ तो सिर्फ औरतों के आंसुओं से। देखो ना, पता नहीं कहाँ से अपनी जैसी लकड़ियाँ उठाई, हाथी आज धुआं बन गया। शांति देवी शांति, कसूर ना लकड़ी का है और ना इस कबूतर का, कसूर तो है बेचारे ठक्कन का है जो बेकसूर बंद होने की वजह से छम छम आंसू बहा। यू आर राइट, अल्लाह मालिक है उन बेचारों का, आप जैसे होंगे पति बनेंगे। लेकिन तुम लोग तो कमारे ही स्वर्ग से धार जाओगे। भला क्यों? क्योंकि आजकल की लड़की जैसे शोहर की तमन्ना रखती है, वैसे एक भी बात तुम लोगों में नहीं है। जरा हम भी सुने कैसे शोहर की तमन्ना रखती हैं लड़कियाँ। बताइए आपको कैसा पति चाहिए? बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए ना, आपको कैसा पति चाहिए? लंबा, नाटा, पतला, मोटा, एक सैंपल तो दिखाइए। राज कपूर की नीली आंखें, देवानंद की चाल, धर्मेंद्र का मर्दानापन और दिलीप से बाल, संजय सा छेल छबीला, शशि सा शर्मीला और मनोज सा भोला भाला, शम्मी सा रंगीला, शौक हो वो राजिंदर जैसा और सुनील सा बांका, जिसमें इतने गुण हो सकेरी जोड़ उसी से टांका। ना बंगला ना मोटर मांगू, ना कपड़ा ना गहना, ऐसा शौहर मिल जाए तो किस्मत का क्या कहना। कमर हेलन की, आंखें पद्मनी की, गाल विन्नी के, अदा आशा की, शोखी साधना की, बाल सिन्नी के, नूतन का कद, शर्मीला की अंगड़ाई, बबीता की जवानी और नंदा की सी रहनाई, वहीदा का तबस्सुम और लीना की सी मस्ती,
अदा में, नाद में, नखरे में हेमा मालिनी जैसी नजर जिसका नजारा देखकर सरशार हो जाए, अगर बीवी मिले ऐसी तो बेड़ा पार है। ना वो बंगले का मालिक हो, ना मोटर कार रखता हो, न चौकीदार रखता हो, न खिदमतगार रखता हो, मगर रखता हो वो जौहर जो रखता हो न हर कोई। वतन का दर्द और इंसानियत से प्यार रखता हो, न वो बंगले का मालिक हो। निछावर हो उसी को मैं बनाऊंगी रफीक जिंदगी अपना। दुआ मांगो के पूरा हो सखी मेरा हसी सपना, न वो बंगले का मालिक हो। पुजारी हुस्न का हूँ मैं, न दीवाना जवानी का, कि ये चीजें हैं ऐसी बुलबुला हो जैसे पानी का। न बंगला चाहिए मुझको, न मोटर चाहिए मुझको, समझता हूँ न मैं दौलत को, मकसद जिंदगानी का। दया की मूर्ति हो, धर्म की तस्वीर हो ऐसी, कि जिसके आगे सर झुक जाए हर हिंदुस्तानी का। मुझे पत्नी मिले ऐसी जो ये औसाफ रखती हो, मुझे ले जा चांद बीबी का, कले जा चांद बीबी का, जिगर झांसी की रानी का। पुजारी हुस्न का हूँ मैं, न दीवाना जवानी का। वाह वाह वाह, क्या इम्प्रूवमेंट है। अभी से है ये हाल तो आगे राम जाने पति का क्या होए। क्यों बे कबूतर आ कौए। माँ अब तुम्हें क्या फिक्र, बस कॉलेज से मेरा पीछे छूटने वाला है और मैं नौकरी के पीछे लगने वाला हूँ, फिर तुम्हें हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं। सेवा के लिए नौकर, रहने को बंगला, घूमने को गाड़ी। लेकिन बाबा मैं गाड़ी तुम्हें चलाने नहीं दूंगा, तुम गाड़ी बहुत आस्ते चलाते हो, हर जगह लेट पहुंचने का डर रहता है। अरे वाह बेटा, अभी कॉलेज से छुटकारा नहीं मिला,
नौकर चाकर मोटर और बंगले भी खरीदने लगे। पगड़ा तो देख दरवाजे पे कौन है। जी हेलो गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशन यू स्टूड फर्स्ट। सच कौन है राम? माँ मेरी आई है। माँ अपना राम फर्स्ट आया है। फर्स्ट आया है? अरे वाह बेटे मुबारक हो। शाबाश। शुक्र है भगवान का। तुम करती रहो भगवान का शुक्र माँ। मैं तो भगवान से पहले तुम दोनों का एहसान मानता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए भगवान को नहीं तुम दोनों को मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। ये सब तुम्हारी दुआओं का फल है माँ। अरे बेटी इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई है इसका मुंह तो मीठा करा दो। मैं तो भूल ही गई। मेरे तुम बैठो मैं अभी तैयार हूं। अपने नैनों को समझा दे ये बात इन्हें तू बतला दे। अपने नैनों को समझा दे ये बात इन्हें तू बतला दे। चैन चुराते हैं मेरा ये नैन तेरे मतवाले।
गॉड नैटली गुड माय लव, तेरे जैसा खूबसूरत मैंने दुनिया में नहीं, इस तमाम कॉलेज में नहीं मिला माय लव। ओह आई हैव नेवर सीन, नेवर बिफोर। आई एम वेरी सॉरी विक्टर, सॉरी फॉर बॉय। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम फेल हो गए। अफसोस किस बात? हाँ अगर तुम फेल हो जाते तो जरूर अफसोस की बात होती। बेचारी उस बुढ़िया का हार्ट फेल हो जाता जिसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके तुम्हें लिखाया पढ़ाया। विक्टर बहुत ऐश कर चुके हो मेरे दोस्त, अब सब कुछ भूलकर नौकरी करो और उस बेचारे बूढ़े कासम का भी ड्राइविंग से पीछा छुड़ा दो। कहो तो डैडी से सिफारिश करके तुम्हें उसकी जगह ड्राइवर रखा। समझ में नहीं आता विक्टर कि तुम हमेशा राम के पीछे क्यों पड़े रहते हो, आखिर तुम किसी चीज में भी तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। पढ़ाई राम की बराबरी मैं किसी बात में नहीं कर सकता हूं, ये मैं मानता हूं। इसकी हर बात सबसे अलग है, इसी को लो ना, मां हिंदू नाना मुसलमान और बाप बाप का पता ही नहीं। कमबख्त, एक लफ्ज भी और जबान से निकाला तो जबान खींच लूंगा, समझे? किस किस की जबान खींचोगे तुम? है कोई मेरी बात का जवाब तुम्हारे पास? कौन है तुम्हारा बाप और फिर क्या नाम है उसका? फिर क्यों ना तुम्हें हरामी समझा जाए। राम अपने डैडी का नाम बता दो ना। तुम चुप क्यों हो राम? क्या हो गया है तुम्हें राम? आ गया तू? क्या बात है? अरे क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। आज भले कॉलेज में विक्टर ने जो कीचड़ मुझ पे उछाला है उसे दोहराते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया। जानती हो क्या कहा उसने? नाना मुसलमान, मां हिंदू और बाप का पता नहीं। क्या बेटा? मुझे उस वक्त तक बेटा कहकर नहीं पुकारना जब तक मुझे ये ना बता दो मेरा बाप कौन है, मैं किसका बेटा हूँ। मैंने तुमसे जब भी इस बारे में जानना चाहा तुमने मुझे डांट के चुप करा दिया। बोलो, बोलती क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? मैं कह दूं जवाब दो। समझा, तुम्हारी खामोशी साफ कर रही है कि मैं एक गंदी नाली का कीड़ा हूं और एक गिरी औरत का बेटा। बताता हूं तेरा बाप कौन है। तू एक अमीर मगर बेवकूफ शक्की बाप का बेटा, इसने दुनिया के बहकावे में आकर अपनी शरीफ और पाक दामन बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। वो बदनसीब औरत इतना बड़ा जख्म सीने पर लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। वो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे लिए उसने दुनिया भर की मुसीबतों का मुकाबला किया और आज तुमने उसका अच्छा बदला दिया। बजाय इसके कि तुम इस मां की पूजा करते उल्टा तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो, उसे जलील कर रहे हो। राम अगर अब तुमने मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज कहा तो खुदा रसूल की कसम मैं अपने हाथों से तेरा गला छोड़ दूंगा। राम एक बात रह रहकर जबान पर आती है लेकिन डर सा लगता है, अगर पूछूं तो कहीं तुम बुरा न मान जाओ। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। क्या? लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मां पर शक करती हो? ये तुमने कैसे सोच लिया? मैं तो मां को देवी समान समझती हूं। मां ने सारी जिंदगी दुख झेलते काट लिए लेकिन कभी मेरे पिता का नाम नहीं लिया। अगर वो इस बात को रास रखना चाहती हैं तो जरूर कोई खास बात होगी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं मुझे तुम्हारा प्यार और मां की ममता मिलती रहे। एक बात और। हाँ पूछो, जो पूछना है पूछो। अब तुम डैडी से क्यों नहीं मिल लेते? अरे हाँ वो तो मिलना ही पड़ेगा। डैडी देखो तो कौन आया है, बताइए कौन है ये। अरे मैं नहीं पहचानूंगा इसे,
आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि आप दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। बैठो बैठो विक्टर। विक्टर डैडी, विक्टर नहीं, राम है। ओ, राम। आपने राम को विक्टर कैसे समझ लिया? माफ करना बेटी, मैं शक्ल से धोखा खा गया। मैरी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। मैं तो क्या डैडी, कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर राम की तारीफ करते हैं। बहुत खुशी हुई तुमसे। देखो बेटा, मैं ज्यादा बातें करने का आदमी, मैरी की खुशी में ही मेरी खुशी। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ओके। मालूम मैरी, ओफो मैं भी आई। यस डैडी। देखो बेटी, मैं तुम्हारी हर खुशी के सामने अपना सर झुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें और राम को मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? तुम इसे मेरी इज्जत समझो या तुम्हारे लिए मेरा प्यार। तुम अपने मजहब नहीं बदलोगे। बस डैडी, आप मजहब के बारे में बड़े लेक्चर दिया करते थे, जब अपनी बारी आई तो इरादे बदल गए। राम, डैडी मान गए हैं। सच? हाँ, बस एक शर्त है। शर्त? शर्त क्या, मामूली सी बात है। वो क्या? तुम्हें चर्च जाकर राम से रेमनॉट बनना होगा, बस। मैरी। क्यों, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैरी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ। दुनिया की हर चीज तुम्हारे प्यार पर निछाव कर सकता हूँ। सच? मगर एक चीज ऐसी भी है जिस पर मैं इस प्यार को भी कुर्बान कर सकता हूँ। वो क्या? मेरी माँ। तुम्हारा मतलब? मेरा मजहब मेरी माँ है, और ये बदला नहीं जाता। अगर तुम्हारे ख्यालात ऐसे थे तो तुमने मुझे अपने इतने करीब क्यों आने दिया? ये खेल पहले ही क्यों नहीं खत्म कर दिया? मैरी, मैंने इसे खेल नहीं समझा था, मैं तो ये समझा था हमारे घर में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तुम आ जाओगी तो चर्च की कमी भी पूरी हो जाएगी। राम, और मैं इस बात पे नाज कर सकूंगा कि हमारे घर में एक नया मस्जिद जन्म लेगा जिसका नाम है इंसानियत। हेलो, रीना, राम दिखाई नहीं देता, कहाँ है वो? मैं क्या जानूं, राम की महिमा राम ही जाने। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। सुना है राम की माँ की तबीयत खराब है। बेटे की नीयत खराब है और माँ की तबीयत। विक्टर, गलत तो नहीं कहा? बेटा पति बनने के साथ साथ करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहा था जो मिट्टी में मिल गया। बेचारी माँ की तबीयत खराब क्यों ना? Shut up, mind your own business. राम। आओ बेटी, राम तो डॉक्टर के यहाँ गया है। आओ। माँ, अब कैसी है तबीयत? ठीक हूँ बेटी। ये आपको अचानक क्या हो गया माँ? ये दुनिया है बेटी, यहाँ बहुत कुछ अचानक हो जाता है। मुझे अभी अभी कॉलेज में मालूम हुआ है, आपने मुझे खबर क्यों नहीं भेजी? खबर क्या भेजी, आजकल तो हमें अपनी भी खबर नहीं। माँ, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है। अरे तो क्या घर आए हुए मेहमान से बात ही ना करो। ठीक ही तो कहा है,
अब मेरा क्या हक है इस घर पर? ऐसा ना कहो बेटी, ऐसा ना कहो। लो माँ, दवा पी लो। रहने दे, पी लीजिए ना। तुम्हारा हाथ लगने से ऐसा लगा जैसे मेरा सारा रोग जाता रहा। ये लो। भगवान तुम्हें बहुत जल्द अच्छा करेगा माँ। भगवान तो सदा अच्छा ही करते हैं बेटे, ये तो कभी कभी इंसान ही इंसान के बैरी बन जाते हैं, इसमें किसी का क्या दोष, तो किस्मत की बात है। अच्छा मैं चलती हूँ माँ, कुछ देर और बैठो बेटी। मैं तो जिंदगी भर के लिए इन चरणों में बैठना चाहती थी, लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहा। अच्छा मैं चलूं। अच्छा। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम कितने बदल गए हो? ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं। काश हम एक दूसरे को न जानते होते। तुम्हें बुरा तो लगेगा, मगर एक बात कहे बिना मैं नहीं रह सकती कि तुमने मेरे दिल को दिल नहीं खिलौना समझा है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमसे एक मामूली सी जिद छोड़ी नहीं जाती। तुमने मेरे फर्ज का नाम जिद रख दिया। क्या तुम चाहती हो मैं अपनी माँ से बगावत कर दूँ? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। क्या तुम नहीं देखती माँ के दिल में कितनी आरजू है मुझे अपनी बहू बनाने के लिए? मानता हूँ, लेकिन गरीब के दिल की आरजू पानी का बुलबुला होता है। चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहती। मम्मी प्लीज। मुझे मम्मी मत कहो, तुम्हारी कुछ नहीं लगती, कोई नहीं लगती। आप तो हमेशा मुझे ही डांटते रहती। मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मेरी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। हाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं। राम को हॉकी मारी वो भी तुम्हारी गलती नहीं। कॉलेज में हमारा नाम बदनाम कर रहा है वो भी तुम्हारी गलती नहीं। उस दिन पार्टी में राम का इंसल्ट किया वो भी तुम्हारी गलती नहीं। गलती तो सिर्फ मेरी है, मेरी जो। बोली तुमने चिल्ला रही हो, अरे गॉन मैड, पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हूँ इसीलिए तो आज तक इसे बेटे की तरह प्यार करती रही। मेम साहब, आप अपने आप को इतना परेशान ना कीजिए, आइए सो जाइए। तुम ठीक कहती हो, मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। ऐसा ना कहिए मैम साहब, मैं भी माँ हूँ, आपके दिल पर क्या बीतती है मैं खूब जानती हूँ, लेकिन बच्चे अक्सर गलतियां करते रहते हैं। आखिर विक्टर आप ही का बेटा है। तुम कुछ नहीं जानती माया, कुछ नहीं जानती। ये सब मेरे पिछले जन्मों के गुनाहों की सजा है। ये सब क्यों होता, क्यों होता? सब ठीक हो जाएगा मैम साहब, आइए अब आप आराम कीजिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट सिस्टर। पॉलिश हो गई? जी हाँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से, पता नहीं क्यों बहुत बेचैन रहती हैं। उसकी बेचैनी की वजह है सिस्टर, मैं सोच रहा था कि अगर तुम फोन लो तो शायद हमारी मदद कर सको, थोड़ा वक्त दे सकोगे? जी हाँ सर। दरअसल पॉली को कोई बीमारी नहीं है, उसे दुख है अपनी औलाद का। औलाद का? हाँ, विक्टर को गोद लेने के बाद जब हमारा अपना बच्चा हुआ। तो विक्टर आपका बेटा नहीं? यू डोंट नो। नहीं, विक्टर मेरे भाई का बेटा है। जब हमारे 14 वर्ष तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो हमने उसे गोद लिया था। मुझे याद है जिस दिन हमने उसे गोद लिया, पॉली इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि शायद ही इतना खुश मैंने उसे कभी देखा होगा। जोरू ना जाता, अल्लाह मियां से नाता, शादी की नहीं और जमाने भर के फादर बन गए। रेवरेंड फादर। ऑफ कोर्स रेवरेंड फादर। ये तो अपनी अपनी किस्मत है भाई। हाँ यार, अपनी अपनी। एक बात याद आ गई। क्या? बड़ी पुरानी बात है, मेरी उम्र करीब 18 वर्ष की होगी,
उस वक्त मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था। पड़ोसन थे करीब 40-45 बरस की, करोड़पति नहीं तो 20-25 लाख के मालकन जरूर थे। वो मुझ पर बड़ी मेहरबान हो गई, कभी ब्रेकफास्ट पर बुलाए, कभी लंच पर बुलाए, कभी डिनर पर बुलाए। मैंने कहा मौका अच्छा है कि अगर खुश होकर मुझे बेटा अडॉप्ट कर ली, उसके आगे मुझे कोई था नहीं। तो मैंने कहा घर बैठे 20-25 लाख रुपए मिल जाए। ओ, तो ये सब कुछ क्या उसी का दिया हुआ है? ओ नो 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 नॉनसेंस, ये तो अपने खुद की पसीने की कमाई है भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? होना था क्या, ऐसे दुम दबा कर भागे, ऐसे भागे क्या जी? हाँ कौन से है ना? क्यों तो क्या करता, वो मुझे बेटा नहीं हस्बैंड अडॉप्ट करना चाहती थी। कौन विक्टर कमान, अडॉप्ट होना तुम्हारी किस्मत में नहीं था, अडॉप्ट करना था। तो क्या हुआ, अपने ही भाई के बच्चे को तो गोद लिया है। हाँ, अपने बच्चे और भाई के बच्चे में फर्क ही क्या है? क्यों रोजी? जी हाँ रोजी, तुम तो जानती हो जब हम दोनों भाई छोटे थे तो हमारी माँ दुनिया से चल बसी, उनकी शक्ल तक हमें याद नहीं। और इस बच्चे को देखो कितना लकी है, इसके दो दो माँ है, तुम और पॉली है जी। हेलो हस्बैंड, गुड मॉर्निंग फादर। आज सुबह सुबह कैसे आया हुआ? आज मैं खास काम से आया हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो, बाबा बोले हम बैठे। विलियम कहाँ है? वो भी किसी खास काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। ओ, बाहर गए हैं, चलो ये भी अच्छा है। क्यों, ऐसी क्या बात है? बात यह है अपुलिंग कि हमारी मिशनरी का एक डॉक्टर जर्मनी से आजकल यहाँ आया हुआ है, वो औरतों के इलाज में काफी माहिर है। कल बातों बातों में तुम्हारी बात निकल आई, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अपने आप को उससे एग्जामिन करा लो। हो सकता है गॉड ने तुम्हारी मुराद पूरी करने के लिए ही उसे यहाँ भेजा हो। 14 सालों में न जाने कितने डॉक्टरों से एग्जामिन करवा चुकी हूँ, अब तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रही फादर। ऐसा ना कहो अपनी, इंसान को कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट आज ही कर लिया। आज ही? लेकिन विलियम भी तो यहाँ नहीं है, उसके पूछे भी। इसलिए तो मैंने कहा था, चलो ये भी अच्छा हुआ। अगर गॉड ने तुम्हारी सुन ली तो ये खुशखबरी जब विलियम को अचानक सुनाई जाएगी तो बात ही कुछ और होगी। चलो जल्दी करो, डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तुम तो चुप हो जाओ, भाभी सुनेगी तो क्या कहेगी? किटी, बच्चा कब से रो रहा है, घर में किसी को परवाह नहीं है इसकी? हम मुन्नी के लिए दूध लाने को गया था और मेम साहब किसी जरूरी काम से आदर हेनरी के साथ बाहर गया है। तो क्या बच्चे को संभालना जरूरी काम नहीं है? एपलिन, बाले, सलाम मेम साहब, तुम मिस्टर हेनरी के साथ बाहर गए थे? बाहर गए? कहाँ बाहर गई? ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो लोग दोनों 2-4 दिन से रोज बाहर जाता है। अच्छा, कहाँ? 4 बजे, अभी उनका आने का टाइम हुआ था। वो लोग आ गए। हेलो विलियम, आ गए तुम? तुम्हें कुछ शक हो रहा है, काम खत्म आ गया, लेकिन तुम पॉली को रोज कहाँ 4 बजे ले जाते हो? बता दो। इनसे क्या छुपाना? नहीं अभी नहीं, जब तक कि क्या? बोलो। बात यह है कि हम तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज देना चाहते हैं कि मैं फ्लैट हो जाऊंगा। ऐसी हमारी उम्मीद तू जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगी। हेनरी, मैं इतना नाउम्मीद हो चुका था कि अब भी यकीन आता है अपना बच्चा। इसका कोई नाम सोचा? मुझे बैप्टाइज करना है इसे। हाँ, जॉर्ज पॉर्ज पुडिंग का नाम तो देखते हैं, इसका भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल। हाँ पीटर, अच्छा वो तुम आ गए, मैंने मार्टिन को भेज ही रहा था तुम्हें बुलाने के लिए। तुम तो जानते हो गॉड ऑलमाइटी ने इतने बरसों के बाद हमारी ख्वाहिश पूरी की है, विक्टर को छोटा भाई मिल गया। इस खुशी में मैं एक ऐसी पार्टी देना चाहता हूं कि लोगों को याद रहे। यह है लिस्ट,
तुम देख लो और तुम्हें भी किसी को बुलाना है तो इसमें शामिल कर लो। क्या हुआ? क्या किया? फाड़ क्यों दी तुमने? क्योंकि ये लिस्ट हमारे खानदान की बदनामी का इश्तहार थी। क्या बक रहे हो पीटर, तुम दीवाने तो नहीं हो गए हो? दीवाना मैं नहीं, आप दीवाने हो गए हैं। जिसको आप खानदान का चिराग समझ रहे हैं वो चिराग नहीं बल्कि हमारे खानदान पे ऐसा दाग है जो हमें कभी किसी के आगे सर नहीं उठाने देगा। सर ने मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ कहो। सुन सकते हैं तो सुनिए लोग क्या क्या कहते हैं। आपके यहाँ 14 बरस में बच्चा नहीं हुआ तो अचानक यह खुदा की रहमत। अगर इससे ज्यादा तुमने कुछ कहा तो मैं तो खामोश हो जाऊंगा भाई साहब, लेकिन आप सारे शहर को कैसे खामोश करेंगे? आज घर घर में हमारे घर का चर्चा हो रहा है। आखिर वो कौन सा डॉक्टर है? उसने अब तक कितनी गोदें भरी है? बच्चा डॉक्टर के इलाज का नहीं बल्कि हेनरी की मेहरबानी का नतीजा है। इस तरह कीचड़ उछाड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते किस पर तोहमत लगा रहे हो तुम? जानता, दुख भी इसी बात का है कि जिस भाभी को हमेशा मैंने मां समझा और जिस हेनरी को मैं हमेशा फरिश्ता समझता रहा, उन्हीं दोनों ने हमारे खानदान पर कीचड़ उछाला है। जरा सोचिए कि क्या आपके शहर से बाहर जाते ही जर्मन डॉक्टर यहां पहुंच गया और उसी दिन से इलाज शुरू हो गया? दरअसल वो दोनों के मिलने का एक बहाना था। आप अगर भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं, आपके इनकम टैक्स के केस का जिम्मेदार कौन था? आपको याद है कि पोस्टमैन 7 रोज तक इनकम टैक्स वालों का रजिस्टर्ड लेटर घर पर लाता रहा, मगर भाभी घर पे होती तो लेटर मिलता। हर नुकसान को भूल भी जाइए मगर ये तो सोचिए कि वो टाइम हेनरी और भाभी ने कहां गुजारा? कहां गुजारा? पीटर, अपनी घटों की झूठ है, सब झूठ है। भाई साहब, आंखें रखते हुए मैं रात को दिन कैसे कहता हूं? ये बिल्कुल सच है। अगर ये झूठ निकला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा पीटर, और ये अगर सच है तो अपने हाथों से मैं उन तीनों का खून करूंगा। भाई साहब, जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तब मैंने सोचा इन तीनों को मारने से मेरी खोई हुई इज्जत वापस तो नहीं आती, उनको मारकर भी मेरे दिल से उनके लिए नफरत नहीं मिट सकती। मैंने सोचा बदला लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, उन्हें एक शर्म और नफरत की जिंदगी बिताने दी। मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपने भाई के साथ रहने लगा। वहां पहुंचकर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वहां का माहौल बदला बदला सा है, खासकर रोजी, वो पहले से कुछ बदली नजर आई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। पीटर और रोजी मोटर एक्सीडेंट में मारे गए। मिसेस पीटर कैसे हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता, हालत बिगड़ती जा रही है और वो आपसे कुछ कहना चाहती है। चलिए। भाई साहब, अच्छा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, हमें अपने गुनाहों की सजा मिल गई। नहीं रोजी, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। प्लीज भाई साहब मेरी बात सुन लो, मैंने बदकरी और लालच में आकर आपकी मासूम बीवी और हेनरी जैसे फरिश्ते पे झूठा इल्जाम लगा के बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या कह रहे हो रोजी? भाई साहब, पीटर ने आपसे झूठ कहा था, वो दोनों बेगुनाह है, कसूरवार तो मैं हूँ। भाई साहब, इसमें मेरे मासूम बेटे का कोई कसूर नहीं, मैं जानती हूँ मैं बचूंगी नहीं। मेरे बाद इस दुनिया में मैंने दिल पर पत्थर रखकर रोजी को माफ कर दिया, मगर कुदरत ने माफ नहीं किया। शायद कुदरत ने मुझे भी माफ नहीं किया। घर लौटकर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। फादर हेनरी ने मेरे बच्चे को गोपाल के यहां छुपा दिया। गोपाल उनका बूढ़ा और वफादार नौकर था,
जब मैं और हेनरी अपने बच्चे को वापस लाने के लिए गोपाल घर पहुंचे तो पता चला कि मेरे बच्चे को अपनी बेटी के सहारे छोड़कर गोपाल इस दुनिया से ही चल बसा था। उसकी बेटी कुंवारी थी, उसके गोद में बच्चा देकर मोहल्ले वालों ने उस गरीब मासूम यतीम लड़की को मोहल्ले से बाहर कर दिया। उसके बाद बच्चों को लेकर वो कहां चली गई आज तक पता नहीं चला। तुम रो रही सिस्टर? जब कहानी सुनकर तुम्हें इतना दुख हो रहा है, जस्ट इमेजिन पॉली को कितना दुख हुआ होगा जिसे इतनी दुआओं के बाद एक बेटा मिला और वो भी चला गया। अच्छा अब मैं चलूं। All right, sister, good night. देखा पूरी भीग गई, कितनी देर लगा दी। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाता, फिर भी इतनी देर लगा दी। बाबा बाबा, माँ आ गई है। काफी देर कर दी बेटी, मैम साहब की तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है बाबा। कल से माँ का वहां आना जाना बंद, उनसे कह दो किसी और नर्स का इंतजाम कर। ये सिर्फ नर्स ही नहीं, किसी की माँ भी है और इसका कोई बेटा भी है जो इसका इंतजार करता है ना माँ? क्या बात, कुछ खोई खोई सी लग रही हो। कुछ भी तो नहीं बेटा। अरे माँ कैसे कुछ भी नहीं, वो माँ बेटे ही क्या जो एक दूसरे की शक्ल देखकर दिल की बात ना जान ले? तुझे तो वहम हो गया है, बात क्या होगी, भीग कर आई हूँ ना, चाय पी लूंगी तो ठीक हो जाएगी। चल तू चलकर खाना खा ले और सो जा। दूध बाबा। हाँ बेटी, राम सो गया? जी हाँ। माया देखो बेटी, राम बच्चा था जो तुम्हारी बातों में आके टल गया। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। कोई बात नहीं बाबा। जरूर कोई बात है बेटी, वरना तुम शक्कर की जगह नमक दूध में मिलाकर नहीं लाती। ओह, मैं दूसरा ले आती हूँ। छोड़ दो, दूध आ जाएगा। देखो बेटी, किसी बात पर पर्दा डालना अच्छी बात नहीं। जो बात है साफ साफ बता दो, तुम्हें मेरे सर की कसम है। जब तुमने अपनी कसम ही दे दी है बाबा, तो कोई बात मैं तुमसे कैसे छुपा सकती हूँ? मेरे बाबू ने मुझसे मरते समय यह वचन लिया था कि यह भेद जीते जी मेरे होंठों तक नहीं आएगा, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे मेरा स्वर्गवासी बाप तुम्हारे रूप में जिंदा होकर वही भेद मुझसे पूछ रहा है। दुनिया में कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिनका पीछा बदनसीबी मरते दम तक नहीं छोड़ती, और मैं उन्हीं में से एक हूं। तकदीर ने मां को बचपन में ही छीन लिया, बाप का साया मेरे बड़े होने तक उठ गया, और अब डरती हूं कहीं बेटा ना छीन जाए। माया बेटी, राम मेरा बेटा नहीं है। क्या क्या कहा? अरे नहीं, मेरी शादी हुई है। तुम क्या कह रही हो? हाँ बाबा, आज से 22 साल पहले जिस रात मैं अपने मासी के घर से लौटी तो मेरा बापू मौत की घड़ियां गिन रहा था, और नन्हे राम को लेकर गांव छोड़ने के सिवा मेरे लिए और कोई चारा न रहा। तुम्हारी कसम बेटी, अगर मेरे मजहब में दूसरे सजदे की इजाजत होती तो बाखुदा वो सजदा मैं तुम्हें करता। एक मुंह बोले बेटे के लिए जो तुमने कुर्बानी दी है, अगर चिराग लेकर ढूंढो तो इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। बेटी क्या ये राज तुमने साहब मेम साहब को बता दिया है? बता दिया होता तो क्या राम अब तक यहाँ होता? इसमें शक नहीं बेटी कि जीती जागती अमानत उसके माँ बाप को सौंपने के बाद ये सदमा तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुमसे तो क्या, अब राम की जुदाई मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बाबा ये राज कभी राम को भी न बताना। यही बात मैं तुमसे कहने वाला था बेटी,
अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे। मैं सोच रही हूँ बाबा, कल से मेम साहब के यहाँ जाना छोड़ दूंगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसी गलती मत करना, तुम अपना फर्ज अदा करती रहो। लेकिन बाबा, मुझे अपने आप से डर लगता है। एक माँ दूसरे माँ के दुख से तड़प कर अपने मन को घायल करके कहीं अपने ही हाथों अपनी दुनिया न लुटा बैठे। नहीं बाबा, अब मैं वहां नहीं जा सकती। नमस्ते सिस्टर। नमस्ते मार्टिन। सिस्टर जल्दी जल्दी, मेम साहब की तबीयत फिर खराब हो गई। फिर खराब हो गई? हाँ। अच्छा तुम ठहरो, मैं चलती हूँ। क्या तुम जा रही हो बेटी? हाँ बाबा, मेम साहब की तबीयत फिर खराब हो गई। अगर तुम्हारी अपनी तबीयत खराब है, तुम कैसे जा सकती हो? घबरा नहीं बाबा, अब मैं ठीक हूँ। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। ओ, तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगी बेटी। चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आओ मेरे साथ। नमस्ते मेम साहब। आओ माया, मैं जानती हूँ तुम्हारी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं, मगर आज दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम ना आती तो शायद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाती। आपकी तबीयत का हाल सुनकर मैं कैसे ना आती? क्या बात है मेम साहब? माया, बहुत दिनों के बाद कल रात फिर मैंने अपने पिछड़े हुए लाल को सपने में देखा। तब से रह रहे कि मुझे उसकी याद आ रही है। अपने जिगर के टुकड़े को कोई कैसे भूल सकता है? हाँ माया, दुआएं करते करते मैं थक गई। गॉड ने मेरी तो नहीं सुनी, शायद तुम्हारी सुन ले। तुम दुआ करो, अगर मेरा लाल इस दुनिया में है तो मरने से पहले मैं उसे एक नजर देख लूं, नहीं तो गॉड मुझे भी उठा ले। ऐसा ना कहिए मैम साहब। पॉले, तुम्हारी तबीयत देख के सोचता हूँ कि विक्टर की शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना है। नहीं नहीं, शादी की तारीख मत बदलिए। लेकिन बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है। मैं बीमार हुई तो क्या हुआ? माया कामकाज में हाथ बटा लेगी। क्यों माया? हाँ जी, तूने क्या हाल बना रखा है अपना? कहां तो दिन में दो दो बार शेव किया करता था, दो दो बार कपड़े बदला करता था, और अब ये तुझे क्या हो गया है? तू मुझे बताता क्यों नहीं? मेरी से क्या बात हुई तेरी? छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। मैं तेरा दुख समझती हूँ बेटा, लेकिन जो फल अपने हाथ की पहुंच से ऊंचा हो उसे तोड़ने के लिए कभी कभी मुंह के बल भी गिरना पड़ता है। माँ, मुझे मेम साहब के घर से मालूम हुआ वो लोग विक्टर की शादी मेरी से करना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था बेटा, कहीं ठोकर न खा बैठना। ये बड़े लोग गरीब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन दोस्ती निभा नहीं सकते। नहीं माँ नहीं, इसमें मेरी का क्या कसूर है? तो फिर ये दुनिया ही ऐसी है माँ, यहाँ बोता कोई है, काटता कोई है, सपने कोई देखता है, फल किसी को मिलता है। राम, तुमसे हमेशा के लिए जुदा होकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं आसमान से जमीन पर गिर पड़ी हूँ। शादी के लिए डैडी की शर्त ठुकरा कर दरअसल तुमने मुझे ठुकरा दिया है। फिर भी मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत ये जानकर पहले से भी ज्यादा हो गई है कि तुमने ये सब कुछ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की खातिर किया है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी जीवन साथी बनकर ऐसी माँ का प्यार पा सकूं। काश हमारे दरमियान मजहब की दीवार ना होती। फिर भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी मैरी।
नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या बात है बेटी, कोई भयानक ख्वाब देखा है क्या तुमने? क्या बताऊं बाबा। बेटी अपने आप को संभालने की कोशिश करो, तुम तो गीता और रामायण पढ़ती हो, फिर ये बेचैनी कैसी? सच पूछो तो बाबा, मेरे मन में महाभारत का युद्ध चल रहा है। आत्मा रूपी कृष्ण कहता है अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन मोह रूपी अर्जुन हथियार डालने पर तुला हुआ है। एक तरफ बेटे की खुशियां और एक तरफ माँ का मोह। मैं इस उलझन से कैसे छुटकारा पाऊं बाबा? सोने की कोशिश करो मेरी बच्ची, आज मैं तुम्हारे लिए खुदा से दुआ मांगूंगा। वो बड़ा रहीम बड़ा करीम है, रहम करने वाला और माफ करने वाला। हम बंदे उसे भूल जाते हैं, लेकिन वो एक पल के लिए भी हमें नहीं भुलाता। सो जा मेरी बच्ची, सो जा। दुनिया ही ऐसी है मां, यहां बोता कोई है, काटता कोई है, सपने कोई देखता है, फल किसी को मिलता है। नमस्ते साहब। गुड मॉर्निंग सिस्टर, आज वो जल्दी आ गए। पहले भी तबियत अच्छी, अंदर है जा। क्या हुआ, कुछ कहना है? जी हाँ। क्या बात, वांट एनीथिंग, कुछ जरूरत है? नहीं तो, मैं तो जो है वो भी गवाने आई हूं। गवाने आए? मैं समझा नहीं, किस तरह कहूं, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। हाँ कहो ना। दुनिया समझती है कि राम मेरा अपना बेटा है, काश ये सच होता। You mean? राम मेरा बेटा नहीं है। Oh, I see. तो तुमने भी राम को अडॉप्ट किया है, मैंने खोद लिया है। तकदीर मुझसे क्या खेल खेल रही है मुझे नहीं पता। कभी मेरा भी एक सपना था, छोटे से घर का। मैंने तो एक छोटी सी दुनिया चाही थी, जहां मैं होती, मेरा पति होता और हमारे बच्चे होते। न घर बसा, न सपना पूरा हुआ, लेकिन बेटा मिल गया था एक अमानत के रूप में। वो तो समझा माया, लेकिन ये नहीं समझा कि ये सब तो मुझसे क्यों कर रही हो। वो गरीब मासूम और यतीम लड़की मैं हूं साहब, जिसे कलंकी ने कहकर मोहल्ले से निकाल दिया गया था, और वो अमानत राम है जिसे फादर हेनरी मेरे बाबू गोपाल को सौंप गए थे। फादर हेनरी गोपाल को? इन राम मेरा बेटा? हाँ साहब। तो तुमने इतनी दिन तक ये बात मुझसे क्यों नहीं कही, उसी दिन क्यों नहीं बता दिया जिस दिन मैंने अपने बच्चे की कहानी तुम्हें सुनाई थी? इसलिए कि वो अमानत अब मेरी जिंदगी बन चुकी है। ममता तो आज भी बार बार मेरे होठों पर हाथ रख रही थी, लेकिन मेम साहब की हालत और राम की उजड़ती हुई दुनिया में नहीं देख सकती। ये बात नहीं, तुम अब तक प्लान कर रही थी, सोच रही थी कि अपने बच्चों के घर में कैसे ले आऊं। नहीं साहब, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इतना बेवकूफ नहीं तुम्हारी इस बकवास को सच समझ लूं। मैंने जो कहानी तुम उसको सुनाई थी, तुम उसका फायदा उठा रही हो। तुम पॉली की कमजोरी का फायदा उठा रही हो। तुम अपने बच्चे को झोपड़े से निकालकर इस महल में ले आना चाहती हो, उसे करोड़पति बनाना चाहती हो। तुम्हें बुरी हुई नीच धोखेबाज कभी नहीं आया, फिर कभी आने आया।
तुम यहां कब से खड़ी हो पॉली? मैंने सब कुछ सुन लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया पॉली, मैं नहीं चाहता तुम ये सब बकवास बातें सुनो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है, इस औरत की बातों पर तुम विश्वास कर बैठोगे। ये भी तो हो सकता है कि माया जो कह रही वो सच हो, शायद राम हमारा ही बेटा। नॉनसेंस, तुम्हें तो सिवाय अपने बच्चे को कुछ सूझता ही नहीं। हमारी कहानी सुनकर ये औरत उसका एडवांटेज उठाना चाहती। राम हमारा बेटा, आज अगर हम पेपर में एडवर्टाइज करें कि हमारा बच्चा बचपने में खो गया था, तो माया जैसी न जाने कितनी औरतें अपना बच्चा बेचने के लिए चली जाएंगी। अमीर बनने का शौक किसको नहीं? नॉनसेंस, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मान लिया अपने आत्मा रूप कृष्ण का कहा, कर लिया अपने कर्तव्य का पालन। अरे पगली, वो सतयुग था, ये कलयुग है। यहां सच नहीं चलता, झूठ चलता है और झूठ ही फलता है। बाबा, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरा इतना अपमान करेंगे। मेरी बच्ची, विलियम साहब ने माया का अपमान नहीं किया, बल्कि अमीरी ने गरीबी का अपमान किया है। दुनिया वालों ने कितने ही मजहब बनाए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मगर मैं तो कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ दो मजहब हैं, अमीरी और गरीब। खुद को संभालो मेरी बच्ची, जो होना था वो हो चुका। मेरी मानो तो इस मामले में होठों को सी लो। खुदा बचाए बड़े लोगों से, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी। मैं भी पागल हूँ बाबा, जरा देखो भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी और मैं मातम मना रही हूँ। सोचो तो बाबा, मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया, अब राम सिर्फ मेरा बेटा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, है ना? कोई नहीं छीन सकता, राम मेरा सरप्राइज। कितनी चिट्ठियां लिखने के बाद तुम आए हैं। पॉली को सरप्राइज दे। पॉली, सरप्राइज लेने तो मैं आया हूँ। मुझे टेलीग्राम में लिखा गया था कि मुझे यहाँ बहुत बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है। टेलीग्राम किस लिए दिया था तुम्हें? पॉली, हेलो पॉली, पॉली पॉली पॉली, तुमने टेलीग्राम दिया था? जी हाँ। किस लिए? तुमने इतनी चिट्ठियां लिखी फिर भी ये नहीं आई। मैं इतनी चिट्ठी लिख लिख के मर गया लेकिन तुम नहीं आया। देखो भाई, चिट्ठियों और टेलीग्राम में बहुत फर्क है। तुम टेलीग्राम देते तो हम चले आते। तुमने लिख दिया होता है चिट्ठी में कि टेलीग्राम भेजो। मैं विलियम को ब्लेम नहीं देती क्योंकि अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं माँ हूं, मैं कैसे हार मान लूं? तुम ठीक कहती हो पॉली, लेकिन मुश्किल तो यह है कि 20 बरस गुजर गए हैं, उस लड़की का चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। सिर्फ इतना याद है कि उसका नाम माया था, एक लंबा सा कद था, चेहरा कुछ। हाँ बिल्कुल ठीक है। पॉली, जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रही है, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? क्यों नहीं, हम उसे हॉस्पिटल में जाकर मिल सकते हैं। राम,
लेकिन आखिर क्या हुआ मां? बोलती क्यों नहीं तू? छुप जा बेटा, छुप जा। मैं क्यों छुप जाऊं मां? बोलती क्यों नहीं? आखिर तुम्हें क्या हो गया मां? बोलती क्यों नहीं? छुप जा मां। अरे मां, आप बाहर से बेटी बोलती क्यों नहीं? राम को जल्दी छुपा दो, जल्दी छुपा दो। अरे मगर मुझे भी तो बता, हुआ क्या है आखिर? बाबा, कुछ लोग मुझ गरीब को लूटने आ रहे हैं, मेरे राम को बचा लो। लो बाबा। पहेलियां क्यों भिजवा रही हो, मुझे क्यों नहीं बताती, क्या बात है? आज अस्पताल में फादर हेनरी मिले थे। फादर हेनरी? वही जो? हाँ बाबा, वही आ गए हैं। वो मेरे राम को ले जाने आ गए हैं। या अल्लाह, किस इम्तिहान में डाल दिया है तूने मालिक? ये सब क्या हो रहा है? कुछ मुझे भी तो बताओ, ये फादर हेनरी मुझे लेने आ रहे हैं। मां बोलती क्यों नहीं? ये फादर हेनरी वो आ गए बाबा, वो लोग आ गए। राम नहीं, नहीं। ये सब क्या हो रहा है? अमानत में तो खयानत जमीन भी नहीं करती। बेटी होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? राम कहाँ है? राम, तुम्हारे पास तो हूँ। राम, होनी को कौन रोक सकता है? फादर कहाँ से लापटका और फिर कहाँ मिला दिया? मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, अपने आप को भूल गई थी, भूल गई थी कि मैं उसी गोपाल की बेटी हूँ जिसके पास 20 बरस पहले कोई अमानत छोड़ गया था। कितनी खुश नसीब हूं मैं कि आज अपने ही हाथों वो अमानत आपको लौटा रही हूं। नहीं मां, नहीं, मुझे ऐसी सजा मत दो जिसे मैं सहना सकूं। तुझे तो खुश होना चाहिए पगले, हमेशा अपने पिता के बारे में पूछा करता था, आज तो तुझे माँ और बाप दोनों मिल गए हैं। मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। तू मेरा बेटा जरूर है राम, पर मैं तेरी माँ नहीं हूँ रे। माँ? तेरी माँ तो वो है जिसने तुझे जन्म दिया है, मैंने तो सिर्फ तेरी परवरिश की है। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। जो प्यार और ममता राम को तुमसे मिली है वो एक माँ ही दे सकती है। राम की माँ तो तुम ही हो, मुझे तो सिर्फ इतना अधिकार दे दो कि मैं इसे बेटा कह सकूं। तुम सचमुच महान हो माया, आज तक देवी देवताओं के नाम ही सुने थे, आज एक देवी के दर्शन भी हो गए। मुझे इतना शर्मिंदा न कीजिए कि मैं जी ही ना सकूं। मेम साहब, राम की माँ होने का बस एक ही अधिकार मांगती हूँ आपसे कि वक्त आने पर वो मेरी चिता को आग दे। माँ, एक ख्वाहिश और है बेटा, मेरी चिता मेरे उसी गांव में जलाना जहाँ लोगों ने तेरे कारण मुझ पर कीचड़ उछाला था, मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाया था। शायद मेरी चिता की आग उनके नीच विचारों को भस्म कर दे। मैं अपने